श्रीरामचन्द्रकृपालु श्रीरामचन्द्रकृपालुभरमन हरणभेदारुणं नवकञ्जलोचनकञ्जमुखकर कञ्जपदकञ्जारुणं श्रीरां श्रीराम श्रेरा लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरं श्री श्रीरामचन्द्रं श्री शरणं प्रपदे श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे नमस्कार द रेड माइक में आपका स्वागत है हम लोग तमाम विषयों पर तमाम लोगों से बात करते हैं और हम और संकेत उपाध्याय दोनों लोग इस बात को कहते हैं कि द रेड माइक सबका प्लेटफॉर्म है उन लोगों का भी जिनको थोड़ा सा कमतर आका जाता है कमतर समझा जाता है पर वो है नहीं हमारे साथ राजीव साहिर हैं राजीव को मैं पिछले बहुत सालों से जानता हूँ छोटे भाई की तरह हैं और बहुत टैलेंटेड है राजीव दृष्टि बाधित है राजीव देख नहीं सकते हैं लेकिन राजीव हर रोज़ इंप्रेस कर देते हैं मुझे पिछली बार जब आए थे तो उन्होंने संकेत जी को कहा कि मुझे लगता है सर मैं जो आप का जो एक चित्र है जो मेरे मन में है वो चित्र यूँ है कि आपकी लंबाई लगभग छः फुट के करीब होगी आपके ब्रॉड शोल्डर होंगे इन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया कि संकेत कैसे दिखते हैं और बिल्कुल सटीक डिस्क्रिप्शन था तो इनका एक बहुत तगड़ा पर्सपेक्टिव होता है बहुत सारी चीज़ों में राजीव से डिस्कस करता हूँ सोचता हूँ समझता हूँ तो राजीव से आज कई विषयों पर बात करेंगे राजीव थैंक यू आप द रेड माइक में आए आपने अपना बहुमूल्य समय दिया रेड माइक मेरा ही है तो थैंक यू की तो खैर क्या ही बात है जैसा कि आपने कहा कि हम सबका प्लेटफॉर्म है तो मेरा ही है तो अपने घर आया हूँ तो राजीव राजीव बहुत अच्छी बातें करता है प्यारी <laughs> बातें करता है राजीव यार ये बताओ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा तारीख को हो रही है बिल्कुल तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव है <clears throat> देखो आ, अगर तो आ, शास्त्र सम्मत बात करें तो जैसे आ, अभी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने कहा जो शंकराचार्य हैं निश्चलानंद जी ने कहा कि ये जो हो रहा है ये शास्त्र नहीं है नहीं। और जब किसी बड़ी चीज की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो जैसे खरवास भी लगता है जैसे हम लोगों को हम पूर्वांचल के लोग हैं तो हम लोग खरवास में जो है शॉपिंग भी नहीं करते हैं नहीं। और प्राण प्रतिष्ठा है बाईस को है ना तो ग्यारह दिन पहले से ही अनुष्ठान शुरू होता है प्राण प्रतिष्ठा का जो रूल है है ना उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं फिर जो है आखिरी दिन जो प्राण प्रतिष्ठा से पहले वाला दिन होता है उसमें जो है जो मूर्ति है उसको चावलों में रखा जाता है अनाज में उसके बाद जो है बाकी सारी चीजें होती हैं इतना मुझे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो फिर यार प्राण प्रतिष्ठा थोड़ा सा हटके कर लेते थोड़ा सा एक वक्त ले लेते है ना मैं नहीं कहूंगा दो साल तीन साल या एक साल एक वक्त ले लेते और फिर प्रतिष्ठा करते तो ठीक रहता लेकिन अगर आ, क्योंकि जो है कि मैं जो ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ मेरे आसपास के लोग भी खुश हैं मेरे घर पे भी अच्छा बांटा गया है ना इनफैक्ट मतलब मेरे घर से तो आरएसएस के लोग जुड़े हुए हैं भाई तो वो लोग जो है अच्छा जाके बांट रहे हैं तो मैं पहले बताऊं कि मैं क्योंकि मेरा भागलपुर से भी रिश्ता है तो और मऊ से भी है तो हम लोग अक्षत नहीं कहते हम लोग अच्छत कहते हैं अत अच्छत कहते हाँ, हाँ। तो हम तो हम लोग जो है मोहल्ले में बंटवा रहे हैं अच्छत और सब लोग बंटवा रहे हैं जो आ, सपोर्टर हैं वो भी बंटवा रहे हैं जो नहीं है वो भी बंटवा रहे हैं राम तो सबके हैं राम तो सबके हैं तो ये है कि प्राण प्रतिष्ठा है उसकी खुशी है मगर शास्त्र सम्मत नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा डर लगा हुआ है कि सब ठीक से हो जाए तो सब ठीक से हो ही जाएगा और लेकिन जो जैसे कांग्रेस ने आने से मना कर दिया और उनका कहना है कि शंकराचार्यों वाली बात उन्होंने भी दोहराई और उन्होंने कहा कि राम तो सबके हैं और इसको बीजेपी ने एक राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया है क्योंकि जब प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी तो आर के प्रमुख मोहन भागवत भी अंदर गर्भगृह में होंगे तो कांग्रेस का ये नहीं होता ठुकराना क्या जायज़ है आ, इस पर अगर कांग्रेस के लोग सच में शंकराचार्य की बात मानकर न्योता ठुकरा रहे हैं तब तो जायज है अगर उनका इसमें राजनैतिक फायदा दिख रहा है, है ना तब बिल्कुल जायज नहीं है क्योंकि मतलब आप जो है पहले आपको निमंत्रण जा रहा है फिर सबको जा रहा है है ना शंकराचार्य मना कर रहे हैं उसके बाद जो है आप और कई मैंने तो ये भी सुना है मैं खबरों में देख रहा था कि कांग्रेस के कुछ लोग कह भी रहे थे कि नहीं यार इसमें तो चले ही जाना चाहिए था अर्जुन मुठवाड़े जैसे लोग थे हाँ वो कह रहे थे कि चले जाना चाहिए था तो कांग्रेस में भी अलग अलग मत हैं तो ये है कि शंकराचार्य जी के अगर आ, कहने से इनको लग रहा है कि नहीं जाना चाहिए तो ठीक है राजनीतिक है तब तो नहीं तब ठीक नहीं है क्योंकि हर चीज राजनीति के लिए तो ठीक नहीं है हर चीज़ राजनीति के लिए ठीक नहीं है हाँ यार राजी तो इतना बढ़िया गाना वाना गाते हो जब तो जो तुम आए थे तो, 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 तो स्तुति सुना रहे थे तो दो लाइन सुना दर्शकों <coughs> <coughs> <था। coughs> श्री राम चंद्र कृपालो भरमन हरण भाव दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर श्री राम श्री राम श्री राम मुझे आपने राम स्तुति कहा बट मुझे जो तुलसीदास जी की सबसे अच्छी चीज जो मतलब मुझे पता नहीं क्यों एक श्लोक है तुलसीदास जी का मुझे बहुत प्रभावित करता है मैं सुनाता हूं आपको दो तीन श्लोक है धीरम राजीवनेत्रम रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्य श्रीरामचन्द्रम् शरण प्रपद जो लाइक आप देखो कि आपने राम मंदिर की बात छेड़ी है तो जो खुद करुणा के रूप हैं है ना जो है ना और सब पे करुणा करने वाले मैं उन श्री राम के चरणों को प्रणाम करता हूं इसका ये मतलब है ठीक है लेकिन मुझे दिक्कत क्या होती है कि जब मेरे राम को ना लोग उस समय वो नाम इस्तेमाल करते हैं भाई ठीक है आप आपका अपना कोई भी कुछ भी आपका आपका एजेंडा है आप कीजिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है जब तक यू you नो know, क्योंकि मेरा भी एक आ, मतलब है कि ठीक है मैं मैं आर्टिस्ट हूँ और एक, एक आर्टिस्ट और एक थोड़ी बहुत शायरी भी करता हूँ पोइट्री भी कर लेता हूँ तो ये होने की वजह से एक एक जिम्मेदारी मेरी यह है कि जो गलत है उसको बोलना है तो मुझे लगता है कि यार आपको अपने एजेंडा को वायरल करने के लिए ना राम के नाम को नहीं करना चाहिए है ना मतलब एजेंडा अपने एजेंडे को वायरल करने के लिए राम का इस्तेमाल किया जाता है बिल्कुल क्योंकि आप एक बार बताओ किसी किसी दाढ़ी वाले की को जो है उसकी दाढ़ी खींच के अब जय श्री राम चिल्ला रहे हो बुलवाया जाता है और राम वीडियोस है में है या। हाँ वही। तो यार ये थोड़ी ठीक नहीं है ना ये बात नहीं है ठीक मैं तो कहता हूँ ना कि मतलब मेरे राम तो करुणा में ही है मतलब देखिए कभी क्या है जैसे हम पत्रकार हैं और हम सब लोगों को अपना धर्म अपनी जो

कहते हैं वो लोग वो तो आप बताइए वो कहते नहीं मोको कहाँ ढूंढ रहे बंदे मैं तो तेरे मैं पास मैं तो में। तेरे पास रहे ना मंदिर में ना मस्जिद में ना एकांत निवास अभी आप राम स्तुति की बात कर रहे थे तो राम का क्या स्वभाव है ये <clears throat> क्या सुजानशील स्नेह जानतราวरु है ना है ना तो वो शील है स्नेह पूर्ण है तो ये है राम माहौल तो यार बड़ा अब तो नहीं मजा से जो मंदिर नहीं जा रहा है या जो कुछ कुछ कह दे रहा है उसको रामद्रोही कहा जाता है और उस दिन नागालैंड में राहुल गांधी से सवाल पूछा गया हाँ। कि आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा कराए हाँ। कैलाश मानसरोवर एक बहुत दुर्गम तीर्थ है आप जानते हैं बिल्कुल लेकिन फिर भी गांधी परिवार को, को हिंदू विरोधी कहा जाता है तो जो सर्टिफिकेट बांटने की एक होड़ शुरू हो गई है ये होड़ बड़ी खराब है इस होड़ को कैसे देखते हो राजीव तुम अपनी नजरों से भैया एक एक नेता जिसके लिए पूरा चाक चौबंद है उसके नहाने के लिए बनारस में कम से कम साढ़े छः करोड़ के आसपास खर्च कर दिया गया है ना लेकिन उनका उनका वो स्नान टीवी चैनलों पे लाइव हाँ, वो टीवी चैनलों पे लाइव है वो स्नान पूरा है ना लेकिन जब एक आदमी कैलाश मानसरोवर चला जाता है ठीक है और 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 पता नहीं क्या क्या लोग फिर उसके बारे में बोलने लग जाते हैं है ना तो यार जब हम आ, मेरे घर वाले मतलब मैं ना वैष्णो देवी गया था अभी और मैंने मतलब मेरी वाइफ के साथ पूरी ऐसे पैदल यात्रा की थी पूरी चढ़ाई की मैंने हुँ. और मैं उतरा भी हुँ. बहुत सारी दिक्कतें हुई क्योंकि लोग अवेयर नहीं है है ना तो लोग टक्कर भी मार के गए घोड़े वाला मेरे कंधे पे मार के चला गया घुटने खुल गए वो तो औ, वो और बात है तो मेरे घर में बताते हैं कि जितना संघर्ष करके जाओगे ना उतना जो जो है है आपको भगवान जो है आप पे कृपा करेंगे आप पे जो है आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी आपकी सुनवाई होगी है ना हम तो चार तो, लोगों को खाना खिलाते हैं और उसका मतलब चार हजार प्रचार किया जाता है वही 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 तो वही है कि आप अब मैं क्या कहूं मैंने तो सवाल का जवाब दे दिया है कि भाई भाई साढ़े छः करोड़ उस पर खर्च हो रहा और और उसपे तो तो ठीक है भगवान देख रहा है सब देख रहा है भगवान और क्या मैं तो वो जो आ, मीरा बाई भक्ति हो तो मीराबाई जैसी हो मतलब वो आप या इन नैनो तो, अमीर खुसरो का है ना वो आप या इन नैनो नहीं नैनो, किसका है मीरा मीरा कहिए ना अमीर खुसरो ने उसको पेन डाउन किया था नहीं नहीं, नहीं, नहीं मीरा कहिए ना आप या मीरा का है आ, अमीर खुसरो ने पेन डाउन नहीं किया था एक्चुअली लोग आप या इन नैनन में पलक डाप तो, तो है लू हाँ ना मैं देखूं गैर को ना तो है देखन दूं क्या बात है देखिए रेड माइक पे हमने काजर डारू किरकरा दिया नजर जाए जिन नन में पिया भला दूजा कौन समान जब से राधा श्याम के नन हुए हैं शाम श्याम बने हैं राधिका राधा बन गए श्याम सोचिए कितना ये मतलब जो मतलब आप शाम बन जाते हैं उस प्रेम में और वो राधा शाम की बन जाती है लेकिन जो सर्टिफिकेट बांटने की जो एक आ, एक होड़ शुरू हो गई है कि नहीं आप अगर न्योता ठुकरा रहे हो तो रामद्रोही हो गए राम मंदिर राम प्राण प्रतिष्ठा बहुत अच्छी चीज़ें हो रही है लेकिन हम सब लोगों के घरों में राम है और आ, राम तो अंदर है राम तो सबरी के जूठे खाते थे और रामचंद्र जी ने तो जब रावण जी का वध किया तो लक्ष्मण से कहा जाकर के कि जाओ राम रावण को प्रणाम करो और पूछो उनसे ज्ञान लो इतने ज्ञानी थे राजपाठ को लेकर के तो राम तो उतने कृपालु हैं तो उनके जो भक्त हैं वो बिल्कुल कृपालु नहीं लगते एक्चुअली मैं तो हूँ क्या है ना भैया कि उनके भक्त क्या है ना वो वाले भक्त हैं आपको याद है आ, मुझे पता नहीं ये प्रसंग सही है कि नहीं है मगर लोग वो धोबी वाली बात बताते हैं कि एक धोबी तो वो जो दो, उस धोबी के जैसे ना बहुत सारे लोग हैं कि राम को एक राम को रेडिकलाइज करने के लिए है ना कि जो है हमारी बात आगे रख दी राम ने तो भैया ये मामला है लेकिन फिर वही वही लोग हैं जो राम पे भी ये इनका जब अपना एजेंडा क्लियर हो जाएगा ना तो ये वही लोग होंगे आप देखना <coughs> आज से दस साल बाद जब इनका एजेंडा पूरा क्लियर हो जाएगा तो ये वही लोग होंगे राम को पूछेंगे भी नहीं अरे ये बाईस दो हजार बाईस के चुनाव में जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे ये पूरा प्रचार अरे भाई साहब मैं चरण पादुका मंदिर में जाता हूँ मेरी ना एक ये है कि मैं वैष्णो देवी जब भी जाऊँ तो मैं चरण पादुका मंदिर जाता हूँ तो शाम को आते हुए चरण पादुका मंदिर में आया वापस और वो गाना जो है चरण पादुका मंदिर में बज रहा था आप इमेजिन करोगे एक मंदिर जहाँ हम लोग रो के आ रहे हैं जहाँ हम लोग जो है इमोशनल ऐसे क्योंकि माँ सरस्वती भी विराज है विराजमान है वहाँ पे तो हम लोग जो है हम लोग सुर की देवी से अपने लिए थोड़ा सा सुर मांग के आ रहे हैं कि हमको और भाई साहब जब यहाँ आए चरण पादुका मंदिर में तो एक तो इतने इतना भगवान मैं चाहूंगा सरकार को ये कहूँगा कि यार डीजे वीजे बैंड लगा दो यार प्लीज मतलब हाय राम सर दुख गया और मंदिर पूरा हिला दिया उन्हें गा रहे जो राम को लाए हम उनको मतलब माय गुडनेस हालत खराब हो गई मेरी मैंने तुरंत अपनी वाइफ को कहा कि लेट्स गो बोलती चलो सही में चलते हैं यहाँ से नहीं नहीं देखिए सबकी अपनी श्रद्धा होती है और लोगों को उस, उस राम का जो राजनीतिकरण है वो अब देखिए क्या होता है कि अब एक हवा होती है एक हवा चल रही है उस उस हवा में, अभी उस हवा में में अभी सबको जायज लगता है पर हमने जैसे कहा कि आ, मेरे राम तो शबरी के जूठे बेर खाते थे मेरे राम तो लक्ष्मण को भेज देते थे मेरे राम तो मतलब जब भरत की याद में कितना रोते थे अपनी पत्नी के लिए कितना रोते थे मेरे राम जी तो करुणाशील राम और आ, मतलब राम को पढ़ना बहुत जरूरी है शायद राम को लोगों ने उतना नहीं पढ़ा इतना पढ़ना चाहिए उनकी जो स्तुति है श्री रामचंद्र कृपालू भजमन जो आप गा रहे थे श्री राम चमद मैं तो इस बात को आपने गाया लेकिन चलिए मैं दूसरी उस पर आता हूँ एक अहम बात पर आप चूने आप, आप, आप यहाँ पर हैं और इतना अच्छा गाते हैं आपकी बातें बड़ी मीठी हैं जितनी मीठी आपका आपके गाने और नगमे एक बढ़िया सी कोई गज़ल जो है वो सुनाएं आप हमारे जो दर एड के दर्शकों को फ्राइडे सैटरडे का दिन है हाँ, सैटरडे के दिन शारे थोड़ा शारे सा ज़रूरी नहीं कि उनको रोज जो है हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स भी करवाया जाए दर्शकों को अपने सुना दो लाइन कोई गज़ल अच्छी राहत साहब कहते हैं ना ये दर्शक मुझसे वही कह रहे होंगे गुलाब ख़्वाब दवा जहर जाम क्या क्या है मैं आ गया हूँ बताएं इंतजाम क्या क्या है ये इंतजाम क्या है ये तो उनकी उनका शेर है ना राज साहब का है राज, राज साहब का शेर राज साहब का शेर राजेंदोरी साहब का शेर है, का हुँ, है। हुँ। मैं आपको जॉन की गजल सुनाता हूँ कविता सेठ जी ने कंपोज की है इसको तो जॉन की मैं गजल सुनाता हूँ कि जॉन एलिया की जी जॉन एलिया अरे जिंदगी एक फन है अपने अंदाज में लम्हों को गवाने का बेकरार इस बेक़रारी है वसल है और फिराक तारी है बेकरारी सी बेक़रारी है यूं गुजारी न जा सके हमसे यूं गुजारी न जा सकी हमसे हमने वो जिंदगी गुजारी है वसल है ओ फिराक तारी है बेकरारी सी, बेकरारी है वाह तो वाह 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 वा, 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 राजीव राजीव ने बताया ना कि बड़े अच्छे से उन्होंने राम जी के बारे में भगवान प्रभु राम के बारे में प्राण प्रतिष्ठा के बारे में अगर राहुल गांधी की भारत जोड़ो नया यात्रा चल रही है उसके बारे में आपको क्या कहना है बहुत अच्छी है टू तो बी फ्रैंक बहुत अच्छी है बस मैं रहा हां बहुत अच्छी है ये मैं मुझे ये बात आ, बहुत अच्छी लगी उनकी कि ये राजनीतिक यात्रा तो है पर चुनावी यात्रा नहीं है बिल्कुल क्लियर कट बस राहुल गांधी जी से ये, ये मेरी मे, मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार विकलांगों से मिलते जाएं जहां जहां रुके क्योंकि आ, मुझे मालूम है कि आ, हर पार्टी के लोग रेड माइक को सुनते हैं सब लोग सुनते हैं रेड माइक रेड माइक को तो राहुल गांधी तक मेरी बात पहुंचे और वो विकलांग लोगों से भी मिले जब उत्तर प्रदेश जाएं अगर बनारस पड़े तो बनारस में मिलिएगा साहब जाएंगे बनारस जाएंगे हाँ, उनकी यात्रा के रूट में तो बनारस में हनुमान प्रसाद पोदार स्कूल जो है वो दो एक डेढ़ साल दो साल पहले गिरा दिया गया शायद उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा ब्लाइंड स्कूल था वो गिरा दिया गया कितने बच्चों की जिंदगी खराब हो गई उनके दुख पर आंसू बहाने तो क्या हालचाल लेने भी कोई नहीं आया तो प्लीज़ एक बार जाइए हाँ वो न्याय की बात कर रहे हैं तो ये न्याय की बात उम्मीद है कि रेड माइक के जो दर्शक हैं और जो राहुल की करीबी हैं और अगर राहुल तक ये संदेश पहुंचा पाए राजीव का तो बनारस में जो जहाँ पर भी दिव्यांग लोग मिले उनसे भी मिले और सबको मिलना चाहिए चुलना चाहिए मैं राजीव को बहुत दिनों जानता हूँ मुझे लगा कि रेड माइक पर राहुल राजीव के साथ कुछ करना चाहिए और आ, राजीव बहुत टैलेंटेड है अच्छा गाते हैं अच्छी पोइट्री करते हैं अच्छे शायर हैं पॉलिटिकली अपनी बातें रखने कहने में बिल्कुल हिचकते हिचकते नहीं हैं तो आ, राजीव अब वक्त तो थोड़ा कम है कोई और आखिर में यार तुमने अब जब सब गाया है तो एक बढ़िया सी अगर कोई कोई सूफी दो लाइन गाओ अच्छी कोई आ, मैं सूफी आपको ना ऑफ द कैमरा सुना दूंगा पर मेरा मन ये है जो, जो मन है कि गाओ, मैं एक चैता गाऊ गाओ, गाओ। कभी यार <coughs> क्या है ना कि चैती सब गाय पर चैता जो है ये भिखारी ठाकुर जी का एक नाटक है विदेशिया तो आ, कभी इस पे बात करेंगे मैं मैं चाहूंगा कि आ, गाओ 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 हाँ इस पे बात करेंगे का कहूँ मैं दर दिया रामा पिया पर देस गए का कहूँ मैं दरदिया रामा पिया पर देस गए सुरहो हो करके अंगना मिठाड़ी सुर हो सिंगार करके अंगना मिठाड़ी ठाड़ी के अटरिया के 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 कोयलिया सिस के अटरिया के को के, के कोयलिया पतियो न भेजे रामा पतियो न भेजे है पतियो न भेजे रामा निपट न नवा रात जैसे रात जैसे कारी नगिनिया रामा रात जैसे कारी या हो रामा पिया पर देश गए कैसे से कहूँ मै दर दिया हो रामा पिया पर देश गए इसमें भी देखिए चैता गारे उसमें भी जो है वो आपने जो शिकायत कर रही है वो राम से ही कर रही है जी राम, भगवान राम का नाम ही लेकर के शिकायत कर है। सोचिए है कि अपने पी के दुख में उस वियोग में भी एक जो स्त्री है वो, वो राम। भगवान राम से शिकायत कर रही है तो सर्टिफिकेट बांटना बंद करें सही बात है अगर सर्टिफिकेट आप बांटने से बाज नहीं आ रहे हैं तो प्लीज आप हुसना बाई को पढ़ लीजिएगा बनारस कैंट में श्री कृष्ण धर्मशाला नाम से उनकी उनकी धर्मशाला आज भी चलती है आप जो है रसूलन भाई को देख लीजिएगा रसूलन दे। भाई के साथ पंडित गिरजा शंकर चक्रवर्ती हारमोनियम बजाया करते थे ओहो तो, तो ये पढ़ना लिखना तो बातें छूट गई हैं बस थोड़ा जो है व्हाट्सएप और यूट्यूब <laughs> ने जो है मुश्किल कर दी है थोड़ी पर बहरहाल आज बहुत अच्छा लगा राजीव से आपसे बात करके और राजीव की आवाज भी आप लोगों को सुनवाई बहुत जरूरी थी ने कहा था रेड माइक में इधर रेड माइक हर उस आवाज का मंच है जो इंतजार कर रहा है या कर रही है कि उसको सुना जाए जी तो राजीव आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपको याद होगा संकित जी ने अभय से बात की थी बुरा ना नमारो मिमिक्री है वो शो था <laughs> और अभी जबरदस्त मिमिक्री की थी अरे अखिलेश यादव की बिल्कुल अभी मिमिक्री करते हैं क्या नहीं मैं मिमिक्री नहीं करता हूँ नहीं, नहीं करते गाना गाते हैं मैं तो गाता हूँ मैं कविताएं लिखता हूँ मैं थोड़ा सा क्या है कि मैं जुल्फ़ों के पेचो खम में बहुत जल्दी गिरफ्तार हो गया जुल्फों के पेच ओह इश्क, तो, इश्क

ठीक है राजीव इससे बात करने लगे तो खत्म नहीं होगी ये बहुत बातूनी है लेकिन बहुत दिल का साफ आ, लड़का है तो द रेड माइक में राजीव की आवाज के साथ एक लाइन से तुम रैप करो आज चलो रैप करो अच्छा वैसे रेड माइक करो रेड माइक के साथ साथ करेलवो टॉक्स भी आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आप मुझे यानी राजीव को सौरभ शुक्ला के साथ सुन रहे थे द रेड माइक के प्लेटफॉर्म पर मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे और कमेंट करना मत भूलिएगा आप देख रहे थे रेड माइक मेरा नाम राजीव है मेरे साथ हैं सौरभ शुक्ला धन्यवाद शुक्रिया